इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ बातचीत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अब शनिवार को उनकी एक और तस्वीर प्रसारित हो रही है, जिसमें वे केकेआर के खिलाड़ियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि रोहित मुंबई इंडियंस की टीम में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर शुक्रवार को वर्षा के कारण मैच काफी देर से शुरू हुआ था। इस दौरान रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाड़ियों के साथ उनके ड्रेसिंग रूम में समय व्यतीत किया। इस दौरान केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, केएस भरत, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती समेत कई खिलाड़ियों के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर एक बार फिर उनके केकेआर से जुड़ने की अटकलें तेज हो गईं। इससे पहले शुक्रवार को रोहित एक वीडियो में नायर के साथ बातचीत करते दिख रहे थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि रोहित कह रहे हैं कि मुंबई के साथ यह उनका अंतिम सत्र है। ये वीडियो पहले केकेआर के एक्स हैंडल से साझा किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद ये तस्वीरें आई हैं, जिसने रोहित के मुंबई में बने रहने पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 की शुरुआत में रोहित को कप्तानी से हटा पांड्या को कप्तान बनाया था। इसके बाद से ही मुंबई की स्थिति ठीक नहीं है, टीम दो हिस्सों में बट गई है। कुछ खिलाड़ी रोहित के साथ हैं तो वहीं कुछ पांड्या के साथ हैं। पांड्या के साथ ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी हैं, वहीं रोहित को भारतीय खिलाड़ियों का साथ हासिल है। इसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ता दिख रहा है। 5 बार की विजेता मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।